हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी वन यूट्यूब चैनल पे तो देखिए दोस्तों एसएससी सीपीओ एग्जाम 2022 9 नवंबर का ऑल शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है तो 9 नवंबर सीपीओ एग्जाम 2022 ऑल शिफ्ट एग्ज़ाम में जितने भी आपके जीके जीएस करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों का बिल्कुल हंड्रेड परसेंट सही हो सटीक उत्तर के साथ एग्जाम एनालिसिस आपके इस वीडियो में देखने को मिलेगा तो आज जिनका भी एग्जाम था सभी साथ वीडियो में ध्यान से एंड तक बने रहिएगा आपको अपनी शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चनों के राइट आंसर इस वीडियो के माध्यम से पता लग जाएंगे तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो शुरू करिए उससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और आने वाली शिफ्ट के दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए तो पहले हम सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चनों को कवर करेंगे पहला क्वेश्चन पूछा गया उस्ताद गुलाम अली खान किस घराने से संबंधित है देखिए दोस्तों बात करते हैं उस्ताद गुलाम अली खान के बारे में तो उस्ताद बड़े गुलाम अली खान पटियाला घराने के एक भारतीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे ठीक है दोस्तों तो ये इस क्वेश्चन का आपका क्या था बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर था अगला क्वेश्चन पूछा गया कि महिला टी ट्वेंटी विश्व कप 2020 का उप विजेता कौन था दोस्तों मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में हुआ मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने भारत को पिचासी रनों से हराकर टूर्नामेंट जीता यह ऑस्ट्रेलिया का अपना पांचवा खिताब हुआ था ठीक है दोस्तों तो इसमें जो विजेता रहा था वो कौन रहा था ऑस्ट्रेलिया रहा था और उप विजेता कौन रहा था अपना भारतीय टीम रही थी अगला क्वेश्चन पूछा गया संपत्ति के अधिकार को कब मूल अधिकार से हटाया गया देखिए दोस्तों संपत्ति के अधिकार को चवालीसवें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था ठीक है दोस्तों तो ये इस क्वेश्चन का आपका क्या था बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर था अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन पूछा गया असम में बहू के रंगों का त्यौहार कम मनाया जाता है देखिए दोस्तों इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं असम में एक साल में तीन बीहू मनाए जाते हैं बोहाग जिसे बैसाख कहा जाता है ये अप्रैल के मध्य में मनाया जाता है माघ जो होता है वो जनवरी के मध्य में मनाया जाता है और कार्तिक यानी कि जो कार्तिक यानी कि अक्टूबर के मध्य के महीनों में क्या है मनाया जाता है और बीहू प्राचीन काल से असम में मनाया जा रहा है ठीक है दोस्तों तो ये इस क्वेश्चन का आपका क्या था बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर था अगला क्वेश्चन पूछा गया हैवलोक द्वीप किस नदी पर बुना है देखिए दोस्तों स्वराज द्वीप जिसका भूतपूर्व नाम हैवलोक द्वीप था ये भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के रिची द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है यह अंडमान द्वीप समूह में बृहद अंडमान से पूर्व में स्थित है प्रशासनिक रूप से यह दक्षिण अंडमान जिले का भाग है और पोर्ट ब्लेयर से इकतालीस किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित है ठीक है दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया राष्ट्रीय ध्वज और झंडे का सम्मान किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है ठीक है दोस्तों तो ये एग्जैक्ट तौर पर क्वेश्चन नहीं मिल पाया एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था और ऑप्शन क्या थे आप कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बोरॉन की संयोजकता कितनी होती है तो बोरॉन में तीन संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं और बोरॉन की जो परमाणु संख्या होती है वो कितनी होती है पाँच ठीक है तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है अगला क्वेश्चन पूछा गया ऐस परिस्थिता का अंत किस अनुच्छेद में दिया गया तो ऐस परिस्थिता का जो अंत है वो संविधान के अनुच्छेद सत्रह में दिया गया इसे और मजबूत करने के लिए संसद ने ऐस परिस्थता निवारण अधिनियम उन्नीस पारित किया इसका नाम बदलकर नागरिक सॉरी नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया अगला क्वेश्चन है कि बोरोन सल्फाइड का सूत्र क्या होता है तो बोरोन सल्फाइड का सूत्र होता है B2S3 ठीक है तो ये इस क्वेश्चन का आपका क्या रहेगा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा अगला क्वेश्चन पूछा गया विम 2022 के विजेता कौन है तो नोवाक जोकोविच ने विम 2022 के पुरुष सिंगल का खिताब जीत लिया रविवार को लंदन में खेले गए फाइनल मुकाबले में जोकोविच ने वर्ल्ड नंबर 40 निक उसको च्यार च्यार, च्यार 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 और और दी दोनों खिलाड़ियों के बीच यह रोमांचक मुकाबला घंटे मिनट तक चला तो को कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है फीफा पर दोस्तों, इस बार फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर की मेजबानी में 20 नवंबर से शुरू होगा इसका फाइनल मुकाबला 18 दिसंबर को खेला जाएगा फीफा वर्ल्ड कप का यह बाईसवां सीजन होगा यह टूर्नामेंट पहली बार किसी खाड़ी देश में खेला जा रहा है फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए लाइव को आधिकारिक शुभांकर बनाया है ठीक है दोस्तों तो ये इस क्वेश्चन का आपका क्या था बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर था नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद लागू नहीं होता है तो देखिए दोस्तों संविधान का अनुच्छेद थ्री भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद बीस और अनुच्छेद 21 को छोड़कर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लागू करने का प्रावधान नहीं दिया गया। ठीक है दोस्तों तो यह बात आपको ध्यान में रखनी है ठीक है बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन पूछा गया इमरजेंसी में कौन सा अनुच्छेद लागू नहीं होते हैं तो ऑप्शन था आर्टिकल इक्कीस को उसके प्राण या प्राणिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा अन्यथा नहीं ठीक है तो ये इस क्वेश्चन का आपका क्या था बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर था अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था ठीक है दोस्तों बक्सर का जो युद्ध है बाईस से तेईस अक्टूबर सत्रह में बक्सर नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सेना के बीच लड़ा गया था बंगाल के नवाब मीर कासिम अवध के नवाब शुवाजुदौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना अंग्रेज कंपनी से क्या थी लड़ रही थी इस क्वेश्चन का आपका ये बिल्कुल राइट आंसर था अगला क्वेश्चन पूछा गया मैटोर बांध किस नदी पर स्थित है देखिए दोस्तों जो मैटूर बांध है वो भारत में कावेरी नदी पर सन स में बनाया गया जो तमिलनाडु का सबसे बड़ा बांध है और ये क्या एक विशाल बांध है तो ये किस नदी पे है तो यह आपके कावेरी नदी पे ठीक है, है तो कावेरी नदी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा अगला क्वेश्चन है इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट कौन करता है ठीक है तो इलेक्शन कमीशन को कौन अपॉइंट करता है तो ये प्रेसिडेंट करते हैं कौन करते हैं प्रेसिडेंट करते हैं तो प्रेसिडेंट इस क्वेश्चन का आपका क्या था बिल्कुल राइट आंसर था बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन पूछा गया किस नृत्यकार को उन्नीस में पुरस्कार प्राप्त हुआ था देखिए सोनल मान सिंह एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना और गुरु भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य शैली है ठीक है उन्हें भारत के राष्ट्रपति बिद, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा सदस्य बनने के लिए नामित किया गया वह उन्नीस में पद्म भूषण और 2003 में पद्म विभूषण पाने वाली सबसे कम उम्र की क्या प्राप्त करता है ठीक है तो सोनल मान सिंह इस क्वेश्चन का आपका क्या था बिल्कुल राइट आंसर था अगला क्वेश्चन पूछा गया एसियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक तो इसके संस्थापक कौन थे तो इसके संस्थापक थे सर विलियम जोन्स ठीक है और इसकी स्थापना सत्रह में इनके द्वारा की गई थी ठीक है अगला क्वेश्चन पूछा गया बैरियम पर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है तो बैरियम पर ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है बी एओ टू ठीक है तो बी एओ टू इस क्वेश्चन का आपका क्या रहेगा बिल्कुल राइट right आंसर रहेगा अगला क्वेश्चन पूछा गया म्यांमार की मुद्रा क्या है करेंसी ऑफ म्यांमार तो म्यांमार क्या ये क्या है म्यांमार की मुद्रा है अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सती प्रथा को किस वायसराय ने खत्म किया था तो अठारह में वायसराय लॉर्ड विलियम बैंटिक ने सती प्रथा को समाप्त करने का ऐलान किया था ठीक है तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर था अगला क्वेश्चन पूछा गया 2022 महिला विश्व कप के समय कप्तान कौन था तो ये था मिताली राज तीन अप्रैल 2022 को ऑस्ट्रेलिया को 2022 हजार महिला क्रिकेट विश्व कप के विजेता का ताज पहनाया गया ठीक है अगला क्वेश्चन पूछा गया खाने वाले पाउच में कौन सी गैस भरी जाती है तो ये आपके नाइट्रोजन गैस भरी जाती है अगला क्वेश्चन आई एम नो मसीहा के लेखक कौन है तो सोनू सूद और मीना अय्यर इसके क्या लेखक हैं अगला क्वेश्चन है ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है खुशवंत हैं। सिंह खुशवंत हैं सिंह का ऐतिहासिक उपन्यास ट्रेन टू पाकिस्तान 1956 में विमोचित हुआ था अगला क्वेश्चन मोहिनीअट्टम में कौन सी ए, किसकी पूजा होती है तो मोहिनी के रूप में विष्णु के पुनर्जन्म में महिलाओं द्वारा हिंदू भगवान विष्णु की याद में नृत्य किया जाता है मोहिनीअट्टम या मोहिनी अट्टम दक्षिण पश्चिम भारत के केरल राज्य का एक अर्धशास्त्रीय नृत्य है अगला क्वेश्चन है सिंधु की सहायक नदी कौन नहीं है तो सतलुज व्यास रावी चिनाब झेलम सिंधु की सहायक नदी है सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के पास तिब्बत में होता है ठीक है अगला क्वेश्चन है चंद्रमा पृथ्वी के एक चक्कर लगाने पर खुद कितने दूरी पर घूमती है तो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में चंद्रमा को सत्ताइस पॉइंट तीन दो दिन लगते हैं जब पूर्ण चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है तो एक घटना को एक सुपर मून रूप में संदर्भित किया जाता है और इसे पैरेगी के रूप में भी जाना जाता है अगला क्वेश्चन है कि जैव घनत्व किसे कहते हैं प्रति कई क्षेत्र पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या कहा जाता है तो पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण और पृथ्वी का अक्षीय झुकाव है पृथ्वी का परिक्रमा पथ से बनने वाले समतल पर लगभग छियासठ पॉइंट पांच अंश का कोण बनाता है जिसके कारण उत्तरी या दक्षिण गोलार्धों में से कोई एक गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है ठीक है तो ये आपका राइट आंसर था अगला क्वेश्चन ज्ञानपीठ पुरस्कार बाईस के विजेता कौन सी भाषा से है तो कोंकणी साहित्यकार दामोदर मौजो को दिए जाने की घोषणा ये की गई है ठीक है तो ये आपका राइट आंसर था अगला क्वेश्चन है बैमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था तो अलाउद्दीन बैमन शाह ने इसकी स्थापना की थी ठीक है तो आज की इस वीडियो में हमने एस एस सीपीओलाइक शिफ्ट एग्जाम एनालिसिस कर दिया वीडियो को धन्यवाद पसंद आई लाइक और शेयर जरूर करें